डिफेंस सेक्टर किसी भी देश का बैकबोन होता है। अगर किसी देश का डिफेंस सेक्टर मजबूत है तो कोई देश उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता है। जैसे अमेरिका, रूस, चाइना और फोर्थ नंबर पर अपना प्यारा देश इंडिया भी आता है। यानी कि डिफेंस सेक्टर अगर मजबूत है तो समझो देश भी मजबूत है। और डिफेंस सेक्टर का पूरा कंट्रोल डिफेंस मिनिस्टर के पास होता है, और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी। इंडिया की सिक्योरिटी को लेकर उनका चिंतित होना जायज भी है। एक बार तो उन्होंने पीएम को भी सुना डाली, मैं यही प्रधानमंत्री आपसे कहना चाहता हूँ, जहाँ पाकिस्तान आज हमको हाथ दिखा रहा है, आज वहाँ चाइना की सेना भी लद्दाख के क्षेत्र में घुसकर जिस तरीके से भारतवासियों को ललकारने की कोशिश कर रही है, प्रधानमंत्री जी हमारे सेना के जवानों का हाथ मत बांधो। लेकिन इनका ये भाषण अभी का है ही नहीं, ये तो तब का है जब ये पावर में नहीं थे। अब देखो, जब कोई नेता अगर पावर में ना हो तो बड़ी बड़ी बातें करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही पावर में आने के बाद अपनी ही बात पर कायम ही नहीं रहता। और जब ये पावर में है तो मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चाइना ने तो इंडिया के बहुत सारे बॉर्डर एरियाज पर गांव भी बसा लिए हैं। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के करीब 4.5 किलोमीटर अंदर चीन ने बीते एक साल में एक गांव बसा लिया, ताकि इन गांव में जरूरत पड़ने पर युद्ध के दौरान इन गांव के मकानों को बैरकों के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। अगर इस पर ये कुछ नहीं बोल रहे। अब इसके लिए हमें दो चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली कि इनकी एजुकेशन कितनी है, ये पढ़े लिखे भी हैं, इन्हें कुछ समझ भी है, या फिर ऐसे ही इन्हें इतने इम्पॉर्टेंट पोजीशन पर बिठा दिया गया है। क्योंकि देखो, अब हमारे देश की तो परंपरा ही यही है, यहाँ हर पांचवी फेल नेता बनने की हैसियत रखता है। अगर ज़िंदगी में कुछ नहीं हुआ तो या तो नेतागिरी में उतर जाओ या तो फिर बाबा बन जाओ। तो कहीं इनके साथ ऐसा कुछ तो नहीं है। और सेकेंड थिंग कि इनकी आइडियोलॉजी क्या है, क्योंकि जब तक आप किसी की आइडियोलॉजी नहीं समझेंगे आप ये नहीं समझ सकते कि वो व्यक्ति सोचता कैसा है। अब ये जिस पार्टी से आते हैं उसकी तो आइडियोलॉजी है अखंड भारत की, वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है, तो क्या ये अखंड भारत को सपोर्ट नहीं करते हैं? अब अगर पहले टॉपिक की बात करें एजुकेशन की, तो ये काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये फिजिक्स में मास्टर्स की डिग्री होल्ड करते हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी से, और बाद में मिर्ज़ापुर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में काफ़ी कुछ दिनों तक इन्होंने पढ़ाया भी है। तो इनकी पढ़ाई को लेकर के ये सवाल उठ ही नहीं सकता कि पढ़े लिखे नहीं हैं इस वजह से समझ कम होगी, ये कोई सवाल ही नहीं बनता। यानी ये काफ़ी पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति हैं। अब सेकेंड टॉपिक की अगर बात करें इनकी आइडियोलॉजी क्या है, तो ये RSS की विचारधारा वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि इन्होंने 13 ईयर्स की एज में ही, जब ये 13 साल के थे तभी इन्होंने RSS को ज्वाइन कर लिया था, और बाद में उसके काफ़ी एक्टिव सदस्य भी रहे हैं, और इसी एक्टिवनेस की वजह से ही इन्हें इमरजेंसी के टाइम पर डिटेंशन सेंटर भी भेज दिया गया था, इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, और बाद में काफ़ी टाइम के बाद इन्हें छोड़ा गया था। अब RSS तो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है, जो कि अखंड भारत चाहता है, इससे कम कुछ भी नहीं। अब अखंड भारत में आज का अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और तिब्बत भी शामिल हैं, जो कि चाइना के कंट्रोल में है। अब मेरा सवाल है कि आप अखंड भारत तो बनाना चाहते हैं, ठीक है, आप दूसरे देशों को भी भारत में मिलाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि जितना भारत अभी आपके पास है उस पर भी चाइना नज़र गड़ाए हुए है, आपके बॉर्डर एरियाज में घुस करके वो गांव बसा रहा है, उस पर आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, और आपके पार्टी के ही लोग अखंड भारत बनाने का सपना दिखा रहे हैं, ये कैसा लॉजिक है? वैसे मोदी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।